रीवा जिले से है, जहां जिले में लूट चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस के आला अधिकारी आए दिन क्राइम मीटिंग लेकर थाना प्रभारियों को इन पर लगाम लगाने के लिए समझाइश दे रहे हैं, इसके बावजूद बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज कॉलोनी का है, जहां घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने कट्टे की नोक पर महिला को बंधक बनाया और सोने चांदी के लाखों रुपयों के कीमती आभूषण लूटकर चंपत हो गए। बताया जाता है कि घटना बीती रात्रि करीब 8:30 बजे रात की है। महिला घर में थी, जिसे कट्टे की नोक पर लेकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों के भागने के बाद पीड़िता ने शोर शराबा किया। जब तक आसपास के लोग एकत्र हुए, तब तक बदमाश भाग निकले। बदमाशों की संख्या 4 बताई जाती है। उक्त वारदात आरके मिश्रा निवासी इंजीनियरिंग कॉलेज कॉलोनी की पत्नी के साथ घटित हुई है। घटना के बाद से पूरा परिवार दहशत में है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया है, वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की गई है। आपको बता दें कि चंद घंटों में लूट की दूसरी वारदात हुई है। आइए सुनाते हैं पीड़ित परिवार को, जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरह से आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। जी बताएं, क्या घटना हुई आपके घर में, कैसे? अरे वो तो गेट खटखटाए तो कुछ नहीं बोले, तो मैं सोची बर्तन मांजने वाला है, तो मैं गेट खोल दी एकदम, तो बोले मिश्रा जी का नंबर दीजिए। तो हमने कहा भैया मैं रटा नहीं है, हम दे रहे हैं आपको नंबर। तो मैं अंदर तक आई तो वो चौखट के अंदर आ गया। तो बोली तुम अंदर कैसे आए? तो बोले हमको आपसे बात करनी। तो हमने कहा बताइए, हम तो आपको नहीं जानते, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। फिर ऐसे वो कट्टा ले लेके अंदर चला आया, पिस्टल लिए थे और एक पीछे खोसा था, तो वो उसने ला के यहाँ टेबल पर रख दी। आप अलमारी की चाबियाँ दीजिए, पूरा गहना दीजिए, जितना रुपया पैसा है, मिश्रा जी को 15 लाख रुपये मिले हैं, वो सब क्या कि उसने सारी अलमारियों के बुरा, आपके बेटे को हम पकड़े हैं दो लोग। तो उसने अलमारी की चाबियाँ ले ली और सारी अलमारियों का सामान निकाल लिया। क्या क्या था अलमारी में? अलमारियों में 5-6 जोड़ी कान के भी थे और मंगलसूत्र भी था, एक मेरे गले का भी था, 2-3 अंगूठियाँ थी और चांदी की कम से कम 6-7 जोड़ पायल भी थी, बिछे से बहुत सारा सामान था। नगद कितना था? नगद होगा 80-90 हज़ार रुपये। कब की घटना है ये? कल 7:30 बजे। कितने लोग थे वो? वो 4 थे, 2 पिस्टल लिए थे और 2 ऐसे थे। क्या हुआ फिर उसके बाद, क्या पुलिस को सूचना कुछ? हाँ, फिर ये वो बाहर से गेट लगा के चले गए और तो उन्होंने दोनों मोबाइल भी रख लिए थे अपने पास, फ़ोन भी आ रहे थे तो साइलेंट करके दोनों ने जेब में डाल लिए। फिर जाते समय वो मोबाइल को छुपा गए और बाहर से गेट लगा गए कि अब आपका बेटा खोलेगा आके गेट को। फिर ये 8:20 पे आकाश आया तो उसने गेट खोले बाहर के। आपके बेटे कहाँ थे? वो स्टेशन गए थे मिश्रा जी को छोड़ने। कहाँ रहते हैं, कहाँ पदस्थ हैं आप? हम लोग रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज कॉलोनी में रहते हैं जी। थाना कौन सा लगता है? यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? नीला मिश्रा। सामने एक घटना हुई डकैती की, क्या है घटना जल्दी से? हाँ, कल रात में हमें सूचना आई थी, इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे जो कॉलोनी है, थोड़ा सुनसान जगह है, वहाँ पे सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं, तो वहाँ पे एक नीलम मिश्रा हैं, उनके पति आर के मिश्रा इंजीनियरिंग कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के उसमें काम करते हैं। उनके यहाँ अज्ञात 3-4 लड़के जो है आए थे और फिर कुछ उन्होंने घर में लूटपाट किया है। इस पर हमने मामला पंजीबद्ध करके अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया है 3-97-97 का, और उसमें आरोपियों की पता तलाश जारी है। उम्मीद है कि जल्दी उसमें सफलता मिल जाएगी।